शादी वाला घर लभ लभ के परेशान हो गया, मैं बीमार हो गया, डॉक्टर को चला गया। मैं डॉक्टर साहब चेक करके दसो, मैं ठंड बड़ी लगती है। डॉक्टर को मरासी थी, उन्हें मैंने एक ट्रैक सूट लिखता। भांडे धोने मुंडा एक बंदे ने पूछा तेरी कौम की कहंदा राई, कहंदा मैं ना बुलाई। तू भी मेरे एक सवाल का जवाब दे। पुछ। ए पांच कुत्ते ते पांच कुत्ते किन्ने हो गए? नौ। ओए पांच ते पांच किन्ने हो गए? दस। नौ विचों मार गए पीछे किन्ने बचे? एक। अयाशी कर। चल फेटर एवे बड़ा बेवकूफी। अच्छा जी। ए ट्रेन दे विच ने मार खादी। अच्छा। इंज करके ट्रेन दे विच सफर कर रहे सी, ट्रेन पुल दे थलो लंघी ते दिल घबरा गया। इन्हें जंजीर खिंची ओदे मुंह ते चपेट पई। इन्हें फिर खिंची ओदे मुंह ते चपेट पई। अगे एक माई खलोती, माई नूं कहिंदा माई आ मैनू चपेड़ा तू मारन दई। माई कहिंदी कुत्ते आ जा मेरी गुत तू खिंचण दे। आप अपनी बुढ़ी नूं कहिंदा ये जानू सुहाग रात के बाद क्या होता है? ओ गो कहिंदी सुहाग रात के बाद वलीमा होता है। जदों पिशोर तू वापस आया ते टोर ही बदल गई। शाम सवेर हुन सो जाई सो जा, शाम सवेर हुन सो जाई सो जा। इंडिया चला गया करोड़पति गुरुग्राम। अमिताभ बच्चन ने कहा सबसे पहला सवाल अपने बाप का नाम बताओ। घबरा गया, कहंदा अम्मी से बात करना चाहता। राती 12 बजे धुप्पे बह के तेरे हुसन ते लिखे ही की। राती 12 बजे धुप्पे बह के? ओ राती 12 में केड़ी धुप निकलदी है? ए तुहाडियां बुढ़ियां दिने चन चढ़ा सकदियां, मैं राती धुप नहीं चढ़ा सकदी। ओ चल पर, ओ चल, ओ चल। मैंने कित्थों आ जांदे ने? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं क्या ए घर दा मालिक किथे ने? मैंने 2 घंटे लिए घर चाहिए। घर चाहिए 2 घंटे लिए? ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਣਾ, 2 ਘੰਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਇਥੋਂ। ਓਏ ਹੋਏ, ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਆਇਆ ਅੱਪਾ ਜੀ, ਆ ਜਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਅੱਪਾ ਜੀ। ਵੇ ਲਾੜਾ, ਇਹ ਲਾੜਾ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਆ ਹੋਰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਰ 2 ਵਕਤ ਕੋਲੇ ਲੈਣ ਆਇਆ। मेरी बच्ची का नखाई 2 घंटे। मेरा घर चाहिए 2 घंटे के लिए। वाह, ये मेरा घर है, कोई शादी हाल नहीं है। चलो निकलो बाहर यहाँ से। यार साडा इतना हक नहीं है मल्लेदारों का, कमाल गल करते हो। कौन से मल्लेदार? बाहर निकलो, करीब लगो। तुम्हारी मेहरबानी है कि बड़ा टाइम लाया हो गया मियां बीवी का। और शट अप। और तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है? और किन किन लोगों को घर में घुसा लेते हो? बॉस मुझे नहीं पता ये कौन आ गए। कौन आ गए? शादी किसकी है? ये खड़े है वो। शादी मेहरबानी।
अगर वो तलाक लेना चाहती है तो तलाक ले ले भाई। इट्स ओके, जब बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? भाई देखो बेगम, हमारा फर्ज था उनको पैदा करना। जी जी, आपका फर्ज था उनको पैदा करना। नहीं नहीं, आपकी भी मेहनत साथ में है। हाँ जी भाई, आपने भी साथ दिया है हमारा। जी जी, लेकिन आप मूड अपना सही करो। मूड मेरा ठीक है बेगम। शादी से पहले आपने कोई वादा किया था? वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, वो बीवी ही क्या जो शादी के बाद वहाँ हो जाए। ये तुम बोले किस तरह है? गेट खुला छोड़ा हुआ था उसने और सारे गरीब लोग अंदर आ गए। नहीं सर जी, उन्होंने शादी करनी थी, उनके पास शादी और लेकिन ना घर है, इसलिए इस घर में आ गए। उन्होंने कहा शादी करके चले जाएंगे। ये मेरा घर है कि शादी हाल है? चलो सर, किसी गरीब का अगर सर जगह तो केड़ा तोड़ा कासे का घर। देखो मेरी बात सुनो, आज के बाद इस घर में कोई गरीब इंसान नहीं होना चाहिए। चलो निकलो बाहर फिर। क्या मतलब है? मेरा मतलब जाके उन्होंने आप समझाओ। आप समझाओ? वो मुझे यहाँ से दुखते हैं। यहाँ से दुखते होते हैं, आपकी फिटिंग भी पुठी हो गई है। ये कोई गरीब इंसान आज के बाद मेरे घर में ना आए। शुक्र करिया करो, गरीब है ना, गरीब है ना तो तुसी अमीर हो। अच्छा अच्छा, गरीब ना ना रहे, तुसी अमीर भी नहीं रहना, तुसी बहुते अमीर है, इस वास्ते लगते हो कि बहुते गरीब ने। समझ नहीं आती इन्हां नूं, हुकूमतां नूं समझा समझा के मर गए। तू नाल नाल बड़े शेर सुनन दे। बस आज के बाद कोई गरीब ना आए। हुकूमत है तुम्हें क्या कहती है? क्या कहती है, समझाई दा हुंदा तानू, तुसी बस नहीं समझदे। ओए मेरी बात सुन, जिंदा रहने दो, गरीब मारो ना।
गरीब मारो ना गरीब 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 होते हैं अमीर अमीर होते हैं मतलब की फर्क है तुम्हारे साढ़े कोई भी रोटी खाते हो अभी रोटी खाने अस मूह ना खाने या तुम कान च पा लेंगे हो या तुम ढिड की सिप लवाई खोल के बिच रख लेंगे हो तरीका तो उही है अस भी बाथरूम जाने तुम भी बाथरूम जाते हो फर्क सिर्फ इना तुम ज्यादा जोर लाते हो गरीब आदमी परवाह ही कोई नहीं दिया गया आओ आया है वेखो जरा बाथरूम बैठी हो अद्धी बाहर होंगी दरवाजे ही तोड़ते फट के सारे मुझे गरीब लोगों से बदबू आती है ते जड़ी अपनी बदबू ओदा की करना है ओए कौन सी बदबू बदतमीजी करते हो मैं बेगम इसे इसलिए बर्दाश्त करता हूँ कि इसके बाप से मैंने वादा किया था कि तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूंगा बस मेरा बाप भी यही कह के गया था कि बेटा इस घर को छोड़ना नहीं औरत तुम्हारी माँ की तरह है ये तुम्हारे बाप ने कहा था हाँ कहा था मैं तुम्हारी माँ हूँ माँ नहीं हूँ माँ की तरह हो माँ तो तू अपने बच्चे की नहीं बनी चार पैसे आ जाने इन्हों के हालात ही बदल जाते हैं अपने बच्चे नौकर पालते हैं तो आप कुत्ते का बच्चा पालते हैं देख रही हो सुन रही हो मैं तो इसकी रिसर्च में परेशान होती हूँ बाहर यहाँ करता नौकरी और रिसर्चे पता नहीं कहाँ कहाँ करता रहता ये आज के बाद मैं तुम समझाए से कुछ बात सुनो उसी बात सुनो पिंकी के साथ ज्यादा फ्री मत हुआ करो मैं कहा फ्री होना तो वो आप कह रही मैं तलाक लेनी मैं मना किया कि ना ले तलाक गल खत्म हो गई वो तलाक ले चाहे ना ले तुम उसके मामे लगते हो तलाक बुरी चीज होती है और तुम एवं अमीर होए हो तो तलाक दे फैशन बना लिया तलाक इंज लेंदिया जिम्मे नवी जराबा नहीं लाई दी हाई सोसाइटी में ये एक मामूली सी बात है हाँ शायद तुमने हाई सोसाइटी देखी नहीं है देखी नहीं भाई बाकी नहीं मैं देखी अल्लाह जी हाई सोसाइटी सानू बखावेगी ना तुम देख भी नहीं सकते गरीब आदमी गरीब आदमी नलायक हमारी गाड़िया धोने वाले ते फर्क की है गरीबां ते अपने को फर्क कट के बगाओ क्या मतलब मनिया ताडे को वड्डी गड्डी है ताडे को लेक्सस है ताडे को फरारी है गरीब ते कोल छोटी गड्डी है सड़क ते इको ही है ना या सड़क बदल के बगाओ फिर मनना मनिया ताडे को घड़ी जेड़ी है 5 लाख दी है गरीब को 150 दी है टाइम ते इको ही है ना टाइम बदल के बगाओ फिर हिसाब भी चेक नहीं होना फरिश्तिया कहना कापियां इधर फड़ाओ अगे चले जाओ फ्रॉम तो अगला कमरा इस माई ने 2 से साउथ अफरीका के हफ्सियां मालशा कर हथा तेल ला के करना क्या ये ही प्यार है अगो हफ्सी ने वा सिगर ला लगना हां हां शट अप बदतमीज उसे मालशा करा रहे हो हमारी बेगम से चलो जाओ जाके बाथरूम दो बाथरूम दो कभी आप ही धोलिया करो नाले बाथरूम का दरवाजा लो क्या एक साड़ी कॉमन चीज है वो क्या साडा दरवाजा टूटा हो साडे को पैसे नहीं दलवाण दे तुहाडा दरवाजा टूटा हो ताडे को टाइम नहीं दलवाण दा गरीब आदमी तो फिर मेहनत कर लंदा अंदर बाहर के रौला रौला बंद रहदा इधर कोई ना आए ओए हो हो ये अमीर लोग हाथ च अखबार पढ़ के दरवाजा बंद करके लत ला के बैठे रहते खड़े खड़ा उठाओ कमोड उधर रखो कुर्सी इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया बेगम इसका हिसाब करो इसे निकालना होगा जाओ जाके ना चर्सी मालिश कराओ जाके और यू शट अप गल के हैश के मेरे मैं अंदर आ जाऊं जल्दी से पूरे घर की डस्टिंग कर दूं वो तो मैंने कर दी अच्छा सा खाना बना दो खाना भी बन गया सारा रेडी पड़ा अच्छा बनाना हाँ बहुत अच्छा मेरे 3 बहुत प्यारे बॉयफ्रेंड्स आने वाले हैं ओ खुदा दा खौफ कहो माँ पे भी उसे पासे लगा औलाद भी उसे पासे लगी देखो नौकर ज्यादा बकवास नहीं करो मेरे साथ मैं तो समझा रही मैं कहला और का अलग काम कर देता नौकरी है मैं ब्याह दी ऑफर करती वो बहुत स्पेशल काम के लिए आ रहे हैं तुम्हें नहीं पता क्या काम करने आ रहे हो उन तीनों में से एक को सिलेक्ट करूंगी मैं अपनी शादी के लिए ओ गरीब तो इस तरह लेला नहीं लेंदा जिवें तुसी बंदा लेंदी हो ज्यादा ही बकवास
नहीं बाहर आ तेरा व्याह मैं शर्म आ रही है अद्धा तो बटा मूह पा जाती सी अजकल किसी ने कहो तेरा व्याह सिगरट ला के आती कहना जवान का बच्चा जिन्हें मेरा हौसला भरे बगैरत गाना गा रहे डैड मम्मी है नहीं घर पे पिछले कमरे में घुस के साला छतरे रो बेचता जे अपनी आवाज केसट भर के लाई है ने। चलो भी चलो भाई जान रहो पीते जाओ तो लंघते जाओ साड़ी कोई रेड़ी जी साड़ी असल रेड़ी जे भाई देसी कहने रहो जे छोटा पांच रुपए का वड्डा दस रुपए का छोटा पांच रुपए का वड्डा दस रुपए का अमन गिलास के पुत्र चल साइड दे जा पंज तो एक्सक्यूज मी हां जी एक्सक्यूज मी हुन अंग्रेजी दी भी भैन कटेगा ये कौन है ही इज अ ब्लडी सर्वेंट नौकर है ये मेरा हां मैं नौकर हां नौकर हां 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 गो हां गो लत ठीक कर मामा थक ना जाई स्टाइल स्टाइल होता है ये सारा स्टाइल लादा कुत्ता स्टैंड पे लाया लीव मी अलोन गो कहां गो अंदर जाओ इडियट व्हाई व्हाई क्या होता है तू मुझे तेरी पा डार्लिंग इसे समझाते नहीं आप तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो ओके चलो गो हमने कुछ जरूरी बातें करनी है आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह आज रियली बहुत प्यारी जब तुम हंसती हो ना मेरी धुन्नी में गों गों होती है टेंशन बढ़ जाती है ना जानो मेरी आपको देखो मेरा दूसरा फ्रेंड बहुत ही मजे का है अच्छा बहुत मजे का आज मैं वही पकावांगे बुलाओ उन्हें ये ध्यान करे हो जाए सच्ची मुझे चुम्मी लेके तो उड़ जाना हुंदा है तुम्हारे बाल कितने क्यूट है ना कर कोई बालों से शहर निकल के लड़ जाएगी बच्चे नाले कटन डे जाके चेक कर देखो तुम मेरा तीसरा दोस्त देखोगे हैरान रह जाओगे मैं कहा किसी दरबार तो झंडा लाया नहीं वालदा दी बेहरमती की थी तौबा अस्तगफार ते कादी सजा मिली फिर क्या हैंडसम लड़के नहीं देखे कभी इन्हें नहीं देखे पाए ब्लू टैलेंट ऐसा ही होता है ब्लॉक तीसरा भी ब्लॉक शाहरुख ओ सालिया थोड़ा बहुत तो डांस सीख ले लगता बाबे की चादर जा रही है बदतमीज मतलब की तुसी दस्या ही नहीं जंती कुड़ी है तू कैसे तू कबर वाली चीजा ना जिंदगी मिलन डी है साड़ी नानी कहती सी मरण तो बाद इह जी चीजा कबर जानी है तेरी जिंदगी ची आईया पई है बहुत बोलती हो तुम इडियट क्या खाओगे तुम ये मामा पेंड दिया गाला खान के तुम क्या खाओगे कुछ नहीं जान मैंने अभी नूडल खाए हैं क्या खाया नूडल खाए हैं नूडल हां ये होते क्या हैं जनाब मैं देखे आज तक नहीं गए जो तुसी क्या है वो कह देता है तुम क्या खाओगे जन मैं तो सैंडविच खाऊंगा सैंडविच हां ये सैंडविच पता क्या होता है सैंडविच वो होता है जो फ्रेश होता है जो बेकरी से लेकर खाते हैं अच्छा जब उसको खा कर फेंक देते हैं फिर वो सैंडविच हो जाता है उठा के खाएं तो ये वो खाएगा सारा आपके लोग जनाब मैं बनाना का जूस पीवांगा हैं बनाना का जूस पीवांगा अंदर बनाना तो होके निचोड़ के गिलास पा के ले आना जरा बनाना बनाना मेरा मतलब केला हुंदा केला तन्नू भी सोचा पै गई ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕੇਲਾ ਹਾਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਬੁਲਵਾਤੀ ਬੁਲਾਈ ਮਾਂ ਕੋ ਬੁਲਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਡਾਰਲਿੰਗ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਆਪ ਉਹ ਆਪਕੀ ਆਪਣਾ ਬੇਟੀ ਕੇ ਬੋਏਫ੍ਰੈਂਡ ਆਏ ਹਨ ਇਨਮੇ ਸੇ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਨੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕੀ ਪੀਂਗੇ ਆਪ
कुछ नहीं आंटी, इंसाइटी इतनी हो गई है। अगर आप ज्यादा जिद करते हैं ना तो नमक वाली शिकंजवी मंगवा दें। हेलो मॉम, आप क्या पियेंगे? मैं तो मॉम पाइन एप्पल का जूस पीऊंगा। पाइन एप्पल? हाँ, पाइन एप्पल माल्टा एंडी लाए हैं ना अंग्रेजी ने। Excuse me, बबुल आप क्या पियोगी? मैं तो मरिंडा पीऊंगा। ना करो पाने, ठीक नहीं होने में छिलिया जाएगा। उन इस तरह करो, कंगे ना वाया करो, ना कोले ना वाया करो। इतने मां अंदर चले जी। आप इस तरह की कैसी बातें कर रहे हैं? इसका दिमाग बहुत खराब हो गया। आप अंदर चल के अपना प्लान कीजिए, मैं अगले खाने पीने के लिए कुछ भेजती हूं। प्लीज ओ भाई, कम मसाले वाला खाना बना लो। दो एक का मसाला लगा दो। तू मुझे जानता नहीं है। कौन है तू? तेरी बाणगी, तेरी की। तुम कुछ ज्यादा भी बोलने लगे उन लड़कों को। क्या कर रहे थे? बदतमीजी कर रहे थे। तुम तो खुद उनसे ज्यादा पप्पू हो। कट तू ही नहीं। ये क्या बदतमीजी है? ऐ प्यो दा मार। तुम्हारी औकात है इन गालों को छूने की? मेरी औकात सुबह 9 से शाम 6 बजे तक है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें देख लूंगी। मैं भी तुम्हें देख लूंगा, बल्कि मैंने तुम्हें देख लिया है। क्या? पीछे से जली हुई हो। कब देखा? जब टूथब्रश के साथ पीछे खुजली कर रही थी। जाहिल पिछो लगता तूड़ी वाला ट्राला जा रहा है। क्या हुआ तुमसे? मतलब आप इतना गुस्से में क्यों हो? गुस्से में क्यों? जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। क्या हुआ? शादी करके। शादी करके तो जिंदगी बनती है मैडम। बनती नहीं है, बिगड़ जाती है। और अगर ऐसे मनहूस इंसान से शादी हो जाए तो फिर बिल्कुल ही बेड़ा गर्क। ज्यादा अच्छा गुजारा करोगी और ज्यादा सवाब मिलेगा। मुझे नहीं करना गुजारा उसके साथ। मैंने सोचा था जब मुझे मेरा आइडियल मिलेगा तो मैं इसको छोड़ के उससे शादी कर लूंगी। मतलब ये लर्निंग लेसन सी? ओ मैडम, बंदा बंदा होता, लसंस लसंस होता ही। बड़ा फर्क होता है। इस तरह इंज नहीं करी जाता कि यह छड़ के दूजा, दूजा छड़ के तीसरा। अल्लाह, तुम इतनी फेवर क्यों कर रहे हो? तुम्हें इतना अच्छा लगता है, खुद ही शादी कर लो उससे। इससे? उस मोटे से पता नहीं कहां रह गया गेंडा। तेरा ही हौसला मैडम। ओए मोटे, लेकिन मैं उस टाइम उठ निकल गया सी। ये जो सारा बखुआ हुआ है मेरे के बाद हुआ है। तुम पागल हो? Are you crazy? No, no, जान, I am pregnant. Yes. What? है? आकर की गोली जा रहे हैं। कभी स्कूल ले गया हुआ तो पता होगा ना? तब तुझे सारे गरीब लोग सारी जिंदगी पैरेंट नहीं हुए तुझे। हाँ, पता क्यों होता है? अल्लाह को रहम मांगो, अल्लाह करे भी ना सानू। ये बंदा जब थक जाते ना काम करके, मैं सोचा कि तेनू क्यों नहीं इस गल का पता? तू तो सारा पता है। Shut up! Oh, again. जो कहती हो, क्या हुआ? क्या मेरा कसूर क्या है? क्या मैंने किया जान? अभी तक तो मैं जैब कुआ तक पहुंचा ही नहीं। अभी तो वो लवाजमात हुआ ही नहीं है। तुम्हारी शक्ल है वैसी। मेरी बात सुनो, मेरा कसूर क्या है? जब मैं सो रही थी, हाँ, तो तुमने मेरे पांव को हाथ क्यों लगाया? ओ मैं काम पे चला सी, तेरे को इजाजत लेने लगा सी। बीवी की इजाजत लेके जाओ, सारा दिन अच्छा गुजरता है। हाँ जी, समझे? आप इधर जाए, नौकर है, क्या कर रही है? उधर तुम भी किसी नौकर से कम नहीं हो। मैं तो आपका हूं ना, ये मेरा है। देखो मेरे की हालात हो गए बेटे। पता क्यों? बेटा रो रही है।
की मसला था थले लगी बस थले लगी मैं छोड़ के चला ना जाए ए प्रॉब्लम है हां तो देखे इंग्लिश की कितनी माफियां मांगी है ओ हेलो हां जी ब्लडी एलिफेंट हां ओके ओके बड़ी बड़ी माफी मांगी एलिफेंट का नहीं कह रही यूरोप जावांगे यूरोप हां तुम्हारे साथ तुम्हारी शक्ल देख के मेरा दिल करता तुम्हें उल्टा लटका दूं हां ना उल्टा ही साड़ा सीधा चलना नहीं लगता उल्टा लटका कल जब मैं उल्टा लटकिया सी वो तो वेख के कह रहे कि नहीं एडा माड़ा भी नहीं लगता वो तो मैं अपने 10 मिनट कढ़ने दा बेटे तेरे सामने दी होने लत्ता वड्डा तू हां लत्ता एडिया हां जी एडिया लत्ता वड्डेगा हां जी क्या बोला तुमने तुम मेरी लातें वड्डोगे ये तो मैं क्या नहीं कि तुम्हारी लातें वड्डूंगा मैं बोला उसको उसको बोला कि तुम्हारी टांगे काट दूंगा मैं अगर बीच में बोले तो ये ऐसे ही बंदर है तुम मुझे बहुत बताओ कल जब मैंने तुम्हें कहा मेरी फ्रेंड के लिए ब्लैक लेबल लेकर आओ हाँ। तुम सत्तू लिए वो पहले टून आई थी मैंने कहा इनकी इसको सुबह सत्तू चाहिए मैं तो उन्होंने अट्ठू देने लगा सी लेकिन अट्ठू अजे बने ही नहीं है ओ, नीचे बैठो ओए नीचे बैठो हर बंदा शोहर नहीं होता तुम्हें कह रही हूं कि कौन तुम्हें कह रही हूं नीचे बैठो हां तुम्हें मुझे कह रही हूं मुझे नीचे बैठो बेटा तुम शोहर हो मैं नौकर हूं और मेरी अहमियत तुमसे ज्यादा है पुत्र तेनू की जी टांगे दुख रही है मेरी टांगे दबाओ मैं ये शोहर ही कर सकता है मैं क्या बोला मैं दबाऊं नहीं नहीं मैं पड़ोसी को बुलाती हूं ओ मामा लगता है असली आप ही नहीं सुनी दबा लेते टांगे दबाओ मैं तो हां ही खानदानी है मालचिया मैं कभी तोड़े किसे मामले में बोलिया हूं चलो देख लेना की कर लेंगे हेलो इतना दूर कुछ हो सकता है हां हां तुसी सारीया गल्ला छड्डो और डायरेक्टर साहब सोच रहे ने भाई ये सीन तो मैं लिखिया ही नहीं ये सीन सर में पलयो पाया है सही से दबाओ सही दबाओ क्या खाती हो माशाल्लाह करो जिम जाती हूं कट्स बने ये इतने बड़े कट्स तो बन गए दोबारे जिम जाती हो इतना टाइम लगाती हो मुझे छोड़ो दूसरी दोनों बैलेंस हो जाएगा नहीं मेरे को नहीं दबाना इस तरह नहीं होता पता है पूरी दुनिया में जा रही तुम्हारी पिन्नी देखो छोड़ो मेरा दिल कहता तुम्हें लेट के दबाओ यू आर लाइव नाउ ओके ओके देखो ओ केड़ी बेल लुआती हूं फोन ही बड़ा सस्ता तेरी बीवी का निकल जाएगी वो सुन रहे जिनका फोन आया सुन रहे हैं वो हाँ डॉली हाँ डॉली है कैसी हो कैसी है डॉली ओके हाँ डॉली है बात करें ना आप शी इज माय फ्रेंड नॉट योर माय साली नो शी इज नॉट ओ तेरा भलवैया बोल रहा है मैं बात कर लूं करें इसके भलवैये ओके हां हां कैसी हो तुम मैं ठीक हूं नहीं नहीं है? क्या बात कर रही हो अच्छा डॉली फिर पकड़ी गई कहां है जेल में नहीं हेलो हाँ यार क्या बात कर रही हो तुम भी डाइवोर्स ले रही हो मैं भी डाइवोर्स ले रही हूँ हाँ हम भी डाइवोर्स ले रहे हैं पूछ लो तुम कितनी ले रहे हो हम तो 2 किलो ले रहे हैं 3 किलो सड़ो डाइवोर्स ले रहे हैं सी गरीब अच्छा। सारी जिंदगी डाइवोर्स नहीं ली बोलो तुम एक काम करो तुम मेरी तरफ आ जाओ हाँ। हम मिलके ना ब्रेकअप पार्टी करेंगे डाइवोर्स पार्टी करेंगे हाँ डाइवोर्स पार्टी डांस करेंगे डांस करेंगे पुत्र थे डाइवोर्स पार्टी होएगी की मजे आने नहीं तुम्हारे
ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਵੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਜੀ ਡੈਵੋ ਤੇ 20 25 ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡੈਵੋ ਪਾਰਟੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਖਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਏ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨੱਚਣ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਫਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਲਾਕ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਲਾਕ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਲਾਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਨ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹਨੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਕਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੇ ਤੁਮੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ 35 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ 38 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ 38 ਕਿੰਨਾ 38 ਓਏ ਹਲੋ ਮੈਨੇ ਤੁਮੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਕੇ 38 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਨੇ 35 ਕੈਸੇ ਦੀਏ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ ਉਸਨੇ 35 ਕੈਸੇ ਦੀਏ ਤੇ ਤੁਮਨੇ 38 ਕੈਸੇ ਦੀਏ ਮੈਨੇ 3 ਦਿਨ ਇਸਕੀ ਮਾਂ ਕੋ ਦੀਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਟੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਲਾ ਲਾ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਗਿੰਨੇ ਨੇ ਹੈ ਓ ਯੂ ਮੇਰੀ ਹੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਮ ਹੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਤ ਲੈਣਾ ਓਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਸਰੂ ਖਸਰੂ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਗਰਟ ਕਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਡੀਅਟ अच्छे काम करो छोड़ो ये सब अंदर चलो हम लोग डिसाइड करते हैं कि डिवोर्स वाले दिन तुमने क्या पहनना है और मैंने क्या पहनना है मैं तो यार दिल वाले दुल्हनिया शर्ट नहीं सी पाया वो ही पाऊंगा ओ भाई वो दुल्हनिया तो सॉरी लेके जा रहा था तो छोड़ने जा रहा है देखिए थल लगी तू चमचा नहीं ना फेरदा बेटे अगर अंदर तुम चीखा की आवाज आए ना हां तो कोशिश करी अंदर ना मेरा दिमाग खराब है कि बंदा चीखा मारे मैं अंदर आके देखा ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ
बीवियां नहीं लगदी जेडियां हफ्ते नु नहीं लबदियां ना ओ बीवियां नहीं हुंदियां वो कौन होती है ओ छड्डा के तेरी साडी लड़ाई हो जाएगी ओ वीरे ओ बीवी छड़ गई बीवियां नहीं लबदियां लब जांदियां बीवियां जहला गल करन दे ओ सियाणे ने सच ही किया है की किया ओ बीवी दी दुआ जन्नत दी हवा ओ बीवी दे पैरां थल्ले जन्नत हुंदी है ओ ओए दोस्तों बीवियां दी कदर कर लो ओ बीवियां हुंदियां ओ जेड़ियां तानू सुक्के ते पा के आप गिल्ले ते पै जांदियां अच्छा गल्लां सारियां सुनियां साडे ने तरतीब पुठी कीती मैं तो सही करना चाहना तू ही पुठी कराई है ओ बीवियां नहीं लभदियां दोस्तों ओ बीवी हुंदी है ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਵਣ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਮਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਗੈਜਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੇ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ पता नहीं कैसे मिल जाते और जाला पागल हो गया मां नहीं लभदी नहीं लभ जांदी है मेरी मां बहुत होई सी मल्ले दी हर औरत ने क्या पुत्र घबरा ना मैं तेरी मां वा मेरी चाची बहुत होई हर औरत ने क्या पुत्र घबरा ना मैं तेरी चाची हां मेरी फूफी बहुत होई हर औरत ने क्या घबरा ना मैं तेरी फूफी आ ए बीवी गई है ना कोई भी नहीं आई और तू तो फैल Oh,
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਾ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਸ ਲੋ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਥੋਂ ਭਾਂਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਲਵਾਂ ਆਏ ਬਸ ਜੀ ਜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਕਿ ਬੀਵੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ ਬੀਵੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਉੱਠ ਗਈ ਅਗਵਟ दो बारी मामा को एक बारी बीवी बंदा जे पर्सनल है मैं नहीं बोल सकता कोई पर्सनल नहीं है मैं जानती हूँ तुम उसके चमचे और वो तुम्हारा चमचा अगर ये आप जानती तो फिर आपको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि तलाक बहुत बुरी चीज है आप मेरे दोस्त को मत छोड़ो फिर मैं क्यों ना छोड़ूं तुम्हारे दोस्त को तुम्हारा दोस्त इतना हीरो रहता नहीं और वैसे भी तुम गरीब हो ना एक दूसरे के दोस्त हो एक दूसरे के दोस्त नहीं तो मैं इंसानियत के नाते बात कर रहा हूँ और वैसे भी औरत के लिए तलाक जो होती है बुरी चीज होती है हर औरत के साथ बंदे का होना बहुत जरूरी होता है औरत मर्द के बगैर कुछ नहीं होती सही सही चलो मर्द ही होगा ना इसको छोड़ूंगी किसी और से शादी करूंगी तो फिर वो तुम्हें छोड़ देगा फिर किसी और के साथ कर लोगी किस तक कब तक बदलती रहोगी बंदे औरत रह जाओगी फिर औरत बड़ी अजीम चीज होती है बड़ी मुकद्दस चीज होती है इसका एहतराम बहुत जरूरी होता है और तुम लोगों को भी अपनी हया करनी चाहिए पता ही नहीं लगता तुम लोगों को कि क्या बात कर देती हो एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा ये क्या जिंदगी ये जानवरों वाली जिंदगी है तुम मुझे लेक्चर मत दो तुमसे मैं जो कह रही हूँ ना तुम वो करो तुम्हारे फ्रेंड के साथ मुझे एक सेकंड नहीं रहना ओहो हाँ। फिर वो जो दूसरा आएगा उसने तुम्हारे साथ नहीं रहना वो मेरे नसीब नसीब आप ही नसीब नहीं बनते होंगे नसीब अल्लाह ने लिखे होंगे ने कि उन्होंने कंट्रोल करना पैंदा खुशकिस्मती एक करी दरवाजे से दस्तक जरूर देंदी है लेकिन उस वेले दरवाजा खोलता कौन है ये बंदे ते डिपेंड करता और बंदा जो होता है ना ये मजाजी खुदा होता है हाँ शौहर मजाजी खुदा होता है मजाजी खुदा जानते हो क्यों होता है अल्लाह ताला ने इसके अंदर अपनी सफात डाली होती है शौहर के अंदर क्योंकि रब ने दुनिया बनाई इंसान बनाए उसको सांसें दी पैदा करने वाला सांसें देने वाला खिलाने पिलाने वाला दुनिया में रखने वाला और दुनिया से ले जाने वाला रब होता है ये उसकी सफात है ये उसकी खसूसियात है फिर जब औरत शादी करती है अल्लाह ताला उस बंदे के अंदर अपनी सफात डाल देता है थोड़ी सी वो कौन सी होती है कि शौहर अपनी बीवी को चादर और चार दीवारी देता है उसके खाने पीने का बंदोबस्त करता है उसकी इज्जत बनता है उसके आगे चलता है उसके हर चीज का ख्याल रखता है इसलिए उसको मजाजी खुदा बोलते हैं तुम जो मर्जी बोलो जो मर्जी बोलो मुझ पर तो असर होने वाला है नहीं मैं तो वही की वही हूँ मुझे डिवोर्स चाहिए और ज्यादा बातें मत मैडम डिवोर्स ना मांगो अच्छा। आप चेक करके देखो दुनिया के अंदर हालात कैसे हो गए क्यों तुम लोग समझते हो तलाक होती है जब बेवा औरतें हो जाती है उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है जमाने की बुरी नजरें किस तरह से उनका पीछा करती हैं दो वक्त की रोटी के लिए अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किस तरह से बेवा औरत बाजार में जाती है और किस तरह से वापस आती है ये वो जानती है अल्लाह जानता है सही सही चलो अब मर्दों को इतनी हाइट मत दो तुम लोग क्या समझते हो तुम्हारे बगैर हम कुछ नहीं तुम शायद ये भूल रहे हो कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है ये पता नहीं केड़ी औरत ने गल बनाई कि हर कामयाब बंदे के पीछे एक औरत हाथ होंगे और बड़ी हाईलाइट गल है लोग मान भी लेंगे इस गल कि जो गरीब बंदे होंगे उन्होंने पिछले औरत नहीं होंगे उन्होंने औरतों के हाथ नहीं होंगे टुंडिया होंगे ने वो तो बेचारियों कहने साड़ी तो बैड लक ही बड़ी है ये अल्लाह नसीब नसीब बनाए होंगे जेदा जेदे जुड़ जाए बेवकूफ नसीब जुड़ गया ना इन जरा अच्छे तरीके इस्तेमाल करो दुआ करो क्या दुआ करो तो दिल के जिंदगी खास ये होंगी है कि अमीर बंदा जिंदगी चाहे मेरे सपनों का राजा छोटिया छोटिया खाशा नहीं जी वड्डिया होंगे ने मेरी जिंदगी का राजकुमार मेरे दिल का शहनशाह कभी किसी औरत ने क्या मेरी जिंदगी का मोची मेरे खापों का दाने भुनने वाला मेरे दिल का चौकीदार तुम ना ज्यादा बातें मत करो मैं तुम्हें कह रही हूँ और वैसे भी लड़कियां जो होती है तुम लड़के उनके पीछे मरते हो जान देते हो कितने कितने क्या कुछ नहीं करते करते है ना हाँ। फिर भी उनका हया नहीं करती हो क्या मतलब तुम्हारी कितनी केयर करते हैं क्या भी फसाई होती है एक के साथ फेसबुक पे ऐड होता दूसरी के साथ तो आड़े को तो मार्जिन ही बड़ा होता बेवकूफ बंदियां को देना मार्जिन ही नहीं होता
दो कुड़ियां खलोतियां कहन हाए तेरा भाई कितना हैंडसम है, मेरी बात करना, कोई बंदा दूजे दोस्त नूं कह सकदा तेरी भैण किड्डी हैंडसम है, उत्थे छुरी निकल आंदी है। हां खूबसूरत तो लड़कियां होती हैं, ये तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। बंदे नहीं खूबसूरत होंदे कभी भी नहीं। जा काम कर। एक शेव करदा बंदा सारे करे आहा इते कमाल है, 44,000 रुपया मुंह तो ला के फिर घंटा लग, तुम आप ही पूछना पैंदा कैसी लग रही हो। देखो ये सारी चीजें जो है ना ये लड़कियों के लिए बनी है तो वही करेंगी ना। हाँ तो लड़कियों के लिए क्यों बनी है? क्यों बनी है? इसलिए कि कोई खामी रह गई थी। ये आईलाइनर, ये काजल, ये बाल स्ट्रेटनर, ये बेस, ये कंटोरियम, हाँ ये जो और वैक्स, ये सारी बंदों के लिए करती हो, जानवर नहीं आते, बांदर नहीं आके कहने। कोई सेटिस्फेक्शन नहीं इसमें। कुड़ियां दे कोलों एक बंदे दी तारीफ ते शीशा चुक लो अद्धियां मर जाओगियां। अरे अगर हम औरतें ना होती तो तुम मर्द कहाँ जाते? अरे तुम्हें पता नहीं हमारे पास 100 हल थे। सीधे जन्नत में जाते, कुछ ना सोचते, सिर्फ इबादत करते। सही बात है। तुम गरीबों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। गरीबों मंजी के ऊपर मंजी, थले अंबार ऊपर अम्मी। मैडम हमारा सेटअप ठीक करो प्लीज, हमारे घरों में इस तरह ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। नहीं होता नहीं? ना तुम गरीबों ऐसे गरीब है, ये लोग एक छत होती है, 10 चारपाइयां लगाई होती हैं, 10 के 10 लोग एक पंखे के सामने सो रहे होते हैं, कभी चचा को हवा, कभी ताया को हवा, कभी मामू को हवा। ये होती इत्तफाक में बरकत, इत्तफाक में बरकत। सही बात है। अमीर लोग एक एक कमरे च कल्ला कल्ला बंदा सोता, मुल्क दी बिजली दा बेड़ा गर्क कर दिता, ना नींद आ रही, गोलियां खाई जा रहे, सराहने में जफ्फी पाई जान डे, नींद फिर नहीं आ रही, एसी चली जा रही है, गरीब देखो तेरा मुल्क दा भी सोच रहे हैं, ते इतवाक जी भी बरकत, सारे लैन च सुते होंगे जी, चाचा ता मामा छोटा भरा वड्डा भरा अम्मा ताई खाला बच्चा सारे जी नाल नाल जुड़ के सुते होंगे, एक बंदा तेल लाता सवेरे उठते सब नहीं लगा होंगे। हाँ गरीब लोग बंदे छत्तों से सुते होंगे जो धोतियां बनिया होंगे ने, एक पखा लगा होंगे करके हवा चलती है, इंज धोतियां उड़ा लगती है, हर मंजी के उत्ते स्पाइडरमैन सुता पे। मुर्गे योजना कुड़ियां कॉल खलो के कर दी ने, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तू ने चुराया मेरे दिल का छह। अरे ओ गरीबो घर में छोटी बहन के बर्थडे रख के भूंडी करने वालों। भूंडी ओ भूंडी होंदी है वही वाला, साडे भी भूंडी भूंडी आंदी। और गरीबो अमीर की गाड़ी के पीछे इस तरह से भागते हो जैसे कोई चीज ना दिखी हो। अरे गरीब तो फिर तुम लोगों का एहसास करता है, तुम्हारी गंदी गाड़ी के पीछे दौड़ता है, इशारे पे जब गाड़ी रुकती है उसका शीशा साफ करता है, और तुम्हारे पास करोड़ों रुपया होता है, करोड़ की गाड़ी होती है, 10 रुपए देने का हौसला नहीं होता तुम लोगों के पास। मतलब इन्ना कोल पैसा चौंक से तुहानू माफी मंगनी पैंदी है, भला होवे बाबा जी माफ करो। तुम्हारे चक्कर में मैं भूल गई मेरी फ्रेंड ने आना था, वो कहीं आकर चली तो नहीं गई? नहीं नहीं वो आया जाए। पिंकी आई एम डॉली। सॉरी डॉली आई एम डोला। व्हाट डोला? डोला वो मछली के घर वाला। एनीवेज हेलो भाई। 40-45 चुमियां ते दिहाड़ी कहिंदे जाया कर दिंदियां ने, इहो किसे गरीब नूं मौका मिलिया होवे ते 10 पता दवे। साडा नाना चुमी लैंदा सी मूंह ते रौला पा दिंदा सी, असीं स्कूलों आंदे आ डरन सा नाना ना घर आया होवे। लीव हिम ही ब्लडी सरपंच। हां और देखो तुम जैसे पिंडुओं को क्या पता, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का दौर है। फेसबुक ने केड़ी कियामत लैण दी बेड़ा गर कीता ना, अखलाक ही तबाह कीते ने, केड़ा पैसा ढा ढा लिया उतो फेसबुक दे उते, ऐसे ऐसे बंदे दी आईडी बनी जिन्हों मल्ले कोई मुंह नहीं लांदा साले नूं, उतो फेसबुक ते ऐसे ऐसे बंदे दी सालगिरह हुंदी है जिहदे घर वाले कहिंदे आ साला ते जमदा ही ना ते चंगा सी। फेसबुक दे उते ओह बंदा कमेंट कर रहे हुंदे जिहदे घर वाले कहिंदे बेटा जरूरी गल करनी, जरा बाहर टुर जा अंदर ना आए। उस पे रिलेशन बनते हैं? रिलेशन नहीं बनते, सिर्फ लाइक्स मिलते हैं। शैतान आपको रोकेगा, खबर है कड़ा शैतान जड़ा फेसबुक पे रोकदा ही। मैं एक पोस्ट करूं लाखों कमेंट आते हैं, लाखों कमेंट आते हैं, लाखों लाइक्स आते हैं, जो तो बंदा मर जाता है 4 बंदे जनाजे पे भी नहीं आते, वो लाइक वाले ही होते हैं सिर्फ। तुम अच्छी बातें भी कर लिया करो,
बाकी ऐसी बातें करते किसी जलसे में गोली खाओगे। आप देखना तलाक के बाद अकेली कमरे में रुल रुल के मरोगी। मुड़ के यहाँ औरत ए भी मेरा हाथ जो गुड्डी फट के सिर लाल दुपट्टा लेकर वो मेरी बरात आ रही और मेरा लड़ा आ रहा। अच्छा सही है, तुम्हारे तो फेसबुक पे अकाउंट भी नहीं होगा ना। है मेरा क्यों नहीं है, है? मैं एक कुड़ी के नाल गल्ला करते ना चार पांच महीने, छह महीने बाद उसका नंबर लिया। ऐसे देखो घटिया लोग ने यार खुदा की कसम, ऐ मैं नंबर लैके फीड किया फौरन मैसेज आ गया अल्ताफ जस्ट ज्वाइन इमो। तुमने मेरे पांव पे पांव क्यों रखा? कंपनी दी मशहूरी लाई। तू अन्नी है या किसी अन्नी दी बच्ची है? तेरे नजर नहीं आता? तमीज से बात करो मेरे से जाहिल पेंडू काले मुंह वाला। काला मुंह वाला की बेना वो चले बात मतली लगा लौरिया ने खा ही जाना। Exactly. बड़े खोते चले नी यकीन कर। और लोगों ने शौक ना खाते ने दुकाना से जा जाके भी कसाई कहने भाई इतों गोश ला रहा इतों ला इतों ला यार जिते बहुत सोटियां बजियां इतों ला। और मैं खोता खाता मैं पता नहीं सी लगना वो तो मेरी बीवी कहती आज तू कुछ खाता हो। मेरे ना गल करे मैं कुछ करा लूंडी जगी चॉकलेटी कलर है पहले पार्ट के ये नीचे धोती 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 ना धोती ना धोती। क्या फायदे इसके? इदे बड़े फायदे ने, सोना होवे थल्ले विछाड़ के सो जाओ, ठंड लगे थल्ले कट के उत्ते लै लो, वाशरूम नू दरवाजा ना होवे उत्ते लगाओ अंदर मजे आए। आटा लेना होवे वह भी ओदे च ही लै आओ, चावल लेने उड़ो भी ओदे च ही लै आओ, गल डाकू आवे ओदिया बाहां बन लो, खुश रहे ओदिया लत्तां बन लो। बच्चे चुप करा चुप के कह दो सुपरमैन आ गया। ये फैशन आवे कि सियानी छतरी पाई फिर दी वे। Now shut your bloody mouth, okay? Who the hell are you? And what are you doing here? You know this is my house. Now tell me who the hell are you? Are you okay? I'm talking to you, man. Say something, you bloody idiot. जे मैं तेन अगो कह दिया मैं समझ नहीं आई तेरे पल की रह जा। आई हैव टू मेनी थिंग्स एवरी थिंग्स एक्सक्यूज मी यूज मी सॉरी आई डोंट हैव बैड टेस्ट। कौन हो तुम? इस घर का मालिक कौन है? इस घर की मालकिन मैं। पूरी सलवार तेरे को लड़ी नहीं गई है? फैशन है। फैशन है। तुम कौन? इस घर के मालक का नाम की है? सेठ
डैडी है। ओ मेरे बचपन का दोस्त है। अबे चल फटीचर कहीं का तुम्हारे अब्बा फटीचर एटी तू इमरानी खानी है। अरे वाह फटीचर मेरे डैडी तुम्हारे फ्रेंड नो जानी काम कर तेरा प्यो तो मैं बचपन में एडे एडे उन्ने एडे तो कुत्ती के बच्चे होंगे। चल तू कड़ा खरगोश का बच्चा सही बात बकवास है नौकर चाहे पहला बोली जा बोली जा। तेरा प्यो तो मैं बचपन के दोस्त एदे बच्चे कितना प्यो बड़े आज इन्हों देख रहे हैं लाके तो थले बन गया तुसी ओ वेला जदो तेरा प्यो तो मैं सवेरे सवेरे आज नाली तो बैठे हुए थे मैं को रस खा रहा हूं सब पिछे अंब चूप रहा हूं से मैनू एक बार कहना रस दे मैं क्या मैं नहीं देना जिन्हों मर्जी दस दे नाल मुसीकी करी दी सी जी पट्टी स्टूडियो गाने इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा तुझको आना दुनिया वालों से जो डर जाए वो ये प्यार नहीं आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं फासला सदियों का एक पल में मिटाना हो और तेरा प्यो पीछे बह के कह रहे होंगे सी आती नहीं अगो मैं कहना सा आएगी 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 वो पिछो कहता सी लो आ गई। ये बचपन की बातें हैं भाई जी अगर तनु नहीं यकीन तो तुसी अपने प्यो नु बुलाओ ओदे नाल मैं गल कर ला मैं बैठा बुलाओ बुलाओ सर साहब जी थोड़ा जहा तो बार करके रखो ये सोफा ते आड़ भी नहीं रहा अच्छा सॉरी सोफा दे माय मिस्टेक बुला बुलाओ जरा उन्होंने फिर में कहा ये सारे सोफे इंज ही रखे हैं क्या बात है क्या शोर है। हेलो बेबी ये आदमी बोल रहा है कि आप इसके दोस्त हैं। डैडी हो जी इन्हें मैंने जब भी पाया इन्हें दस के मैं तेरे बचपन का दोस्त था यार इसको धक्के दे के बाहर निकालो। एक ही कह दिते ही उनके बाहर काटे मैं सुन लिया मैं सुन लिया मैं करना तो बगैर नहीं यार जी है। मैं तो बड़े मान ना आया सा कि मेरा दोस्त मैंने वेखेगा तो खुशियां चढ़ जाएंगी ब्लडी कार्टून राइट सियाने आते ने राई लंघ जाते ने औरतें पीछे ब्लडी ब्लडी कर दिया रह जाती ने ओए शट अप गेट अप चलो निकलो बाहर ओए भूल गया हूं बेड़ा ओए जब असी लुकण मीटी खेलने सा सारे लभ जाते सर तू तो मैं घंटा घंटा नहीं सी लभदे यार मैं गलत किया तेरे को आके क्योंकि मैं गरीब हाँ तो तू अमीर है लक्कड़ का सिगर पीन लग पे है और निकाला बाहर से कोई ऐसी गल नहीं और मैंने पता होता तू मेरे नाल इंज करना तो मैं इतने आना ही नहीं सा अज तू यारी नु लीक लाती है अगे तो मैं तेरे घर च कभी भी नहीं आवांगा कभी भी नहीं आवांगा लेकिन जान तो पहले मैं एक गल करना चाहना छड़ परे यार जा कैसे मैं गल बना के लेते अगो तुसी की कह रहे हो है? लेकिन मैं फिर भी कहांगा इन कपड़े दा पवाओ यार ये कपड़े ही है चला जाऊंगा मैं चला जाऊंगा। सेठ साहब बेचारा आपका मेहमान है मेहमान को घर से नहीं निकालते ये अल्लाह की रहमत होती है चाय पीकर चला जाएगा आपके कमरे में ना सिर्फ मेरे क्वार्टर में रह लेगा और इसको बाहर निकालो क्वार्टर में रह लेगा सर प्लीज जिधर कमरे में सोना और नू कोई टेंशन नहीं तो तू क्यों टेंशन ले मेरे घर में मरे अच्छा मतलब नाल ले जाएगा मैंने भी काट देंगे अच्छा घर सुन हाँ रात में सुत्ता सुत्ता तू उठते नहीं बंदा बाहर ही चल रहे नहीं अंदर ही ओहो उसे अंदर का घुसेड़ दिया चला जाएगा वो
शरीफ औरत नहीं लगते इन्नी देर चकली गई हूं तेन समझ नहीं आन दी। अच्छा जी मैं तीन साल तो कुत्ता बनया हो किन्ना बनया मजबूत तलाक है मरे पुरानी तलाक है तेन पता नहीं ना मेनू छड़ गुजा मैं हर चीज पूरी की तेरी तेन चाहिए की है मैं तेन मैं 5 लाख रुपया महीना दिता तेन मैं 5 लाख रुपया तो लेना कितों कुर्ते बेचे हुए एक बार वेखे तेरे प्यो हर बार उगे हुए मेरा ऑटोमेटिक 6 हजार जेदी बीवी के पैरों थले जन्नत है प्यो के कुर्ते भी हो सकते हैं यार तेन अपनी पई है ना छड़ गुजार मेरी जिंदगी खराब कर दी है मैंने तुम्हारी जिंदगी की लकीरें मार दी है जिंदगी खराब करती दही पाता तेरी जिंदगी से हर तेरी फरमाइश पूरी की थी क्या लेके दिया तुमने मुझे मैंने तुम्हें कहा था बड़ा टीवी लेके दो लेके दिया तेन मैं 20 इंच का लाके दिता तेन मैं 50 इंच का लाके दिता और तेन मैं 100 इंच का लाके दिता तेन मैं 1 करोड़ इंच का लाके दिता करोड़ इंच का तेरे प्यो की फैक्ट्री च बनता और समान नू लीड लाती सी सुला करा यार तू इस ताने मार रहे हटन के भी हैंड लाते ने तलाक मंगन एक बगैर जे बंदे ने कहा तू तलाक ही मंगनी है भाई वेला मेहरबानी सारी जिंदगी साथ रहने की कस्मे खाई है बोल उर्दू बेटा अल्लाह दे वेख रिया ना तुम मेरी जिंदगी हो मोहब्बत हो तुम मेरी एडी मुश्किल ने उर्दू याद की थी खुदा की कस्मे बेची है मैंने अग्नि को साक्षी मानकर मैंने शग्नि को अक्षी मानकर अग्नि को साक्षी मानकर नहीं भाई ताडे ते 5 साल इंडिया लगे मेरा टका भी नहीं लगा वादा कर तेरे भी 5 साल लग जाएंगे। अच्छा जी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर क्या कर रही हो प्रीति मैंने अग्नि को साक्षी मानकर हवन कुंड के साथ फेरे लेकर हवन कुंड के साथ फेरे लेकर भगवान की सौगंध खाता हूँ भगवान की सौगंध खाता हूँ और तुम्हारे पिता के चरणों को हाथ लगाकर और तुम्हारे चिता के पर्णों को हाथ लगा पिता के चरणों को यानी तेरे बाप के पैरों को हाथ लगाकर तुम्हारे चिता के पर्णों के चरणों को पिता के चरणों को तुम्हारे चिता के पर्णों को पिता के चरणों को पर्णों को चिता के अर्णों को अर्णों पे पिता के चरणों को कपिल शर्मा को मार पिता चेंज ले आता है पिता के चरणों को हाथ लगाकर तुम्हारे पिता के चरणों को हाथ लगाकर तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया है गुड तुम मेरी जिंदगी हो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हम मिलेंगे तो अल्लाह हमें नसीब की और देगा
करोगी? ब्रेकअप पार्टी चली गई भाई। सतारा च बेड़े ही फर्क होने हूँ बंदा कितने इस्त्री नहीं मारता जिथे इस्त्री मारो उतो मूँह मर जाना बेचने करके मैं तो लगता कितने 2050 अगों तकल्लफ ही मुक जाना ये दो कपड़े अगे हो गए अगे पिछे आओ जा रहे हैं फैशन खराब हो गया ये प्रेस नहीं करनी पड़ती ये इम्प्रेस करनी पड़ती है हाँ बिल्कुल फिर भाई जी वाशरूम च की बनाया जी गोल जहा हाँ जी वह वाशरूम जो गोल जहा बने चिट्टा जहा कमोट दसो तो सही मैं चीनी पत्ती पाया यार मैं पता नहीं चिल्ले तो पिया है कैसी फजूल हरकत है यार जाहिल ही निकले ना निकले की जाहिल हो ना दे आज कितने चले हो जी चले ने ब्रेकअप पार्टी हो रही तलाक अच्छा तलाक क्या सेलिब्रेट करन लगे ने अच्छा करो करो तो इन्हां दा दोस्त आ रहे एक इन्हां दा दोस्त भी आ रहे याद आया पू कहां रह गया कहां है तू हेलो बेबी Oh my God! Hi, Abu. Hello. Hello. मेरे अल्लाह ही मैं बून वल फिलाई मैं तुम दसा। चंबर जाएगा। बेटा तू सानू इजी नहीं लेना असी पेंडू बंदे हैं असी खुश रे खोल के फेट कर लेने हैं। मैं खुश रे खोल के डीजल तक कीता नीला अपर पा के खड़ोता है। फाड़ो भाई अपना उपर दे तू रख लेना मैं इसे ना देना वापस नहीं करता हाँ मैं ना इसके ना तीन चुटकियां ले गया हूँ और वापस नहीं की ऐसी बात ही है इन कपड़े तो पुआ यार कपड़े तो भाई who the hell are you चौधरी oh my god I like it मुझे बहुत शौक है चौधरी देखने का बड़े भाई ने पूछ ला बड़े चौधरी है थे भाई Listen, I'm not like that, he's saying. मैंने सुना इस घर में रिश्ते की बात चल रही है एक मर्द का रिश्ता चाहिए हाँ मर्द का चाहिए What about me? You are मकरू मर्द Shut up. What do you mean? I'm a man, you know. Oh, तू man. Yeah. किसे man नू पता लगे छितर खाएगा ये हो जाए मर्द रात नू अपने आशक ना निकल जाता By the way, my name is Poo. कैसा नाम है सुन दे बोवा ना पंडित Poo. हर किसी को नहीं मिलता ये पू जिंदगी मिले वो जो मशहूर है सच्ची गल दसा क्या मेरी बीवी भला मैं क्यों छड़ के गई है क्यों मैं भी तू ही
ਪੂਟੂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਭਰਾ ਵਾ ਲੋ ਬੈਡੀ ਬੈਡੀ ਅੱਛਾ ਚੜ੍ਹ ਦੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬੇਟੀ ਭਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣੇ ਯੂ ਮੀਨ ਸਟੋਰੀ ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਓਕੇ ਬਤਾਓ ਇੱਕ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸਰਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਖੁਸਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਗ ਖਵਾਇਆ ਖੁਸਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ नहीं कोई शिकवा तुझसे मेरे भूल जाने का न थी मुझ में इतनी कशिश कि तुम्हें याद रखूं 23 मार्च के हवाले से याद रखो जिस पाकिस्तान की बुनियाद कलमा हो और पैरा हजरत दाता गंद बख्श फैज सरकार आलम मजर नूर खुदा का हो उस पाकिस्तान की तरफ अमेरिका कनाडा साउथ अफ्रीका जर्मन और रशिया कोई भी मुल्क दुश्मन पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता नहीं देख सकता नहीं देख सकता साडे मुतालबे पूरे करो साडियां बीवियां मेनू दियो ताकि तू सेल ला लवे लोग कौन से मुतालबे बेटे आज ते फैसला होगा पंचायत लगेगी ਸ਼ਾਤੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਓ ਆਲੇ ਵੀ ਲੈ ਇਸ ਤੇ ਮੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਆਵੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਉਹ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਕਿਧਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਕਿਧਰ ਹੈ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਪਖੜ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਤੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅਭੀ ਬੁਲਾਤਾ ਹੂੰ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਅੱਛਾ ਗਰਲਸ ਬੇਬੀਜ਼ ਆ ਗਈਏ ਫੈਸਲਾ ਵਹੀ ਹੋਗਾ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਕਹੇਗੀ इन लोगों ने कहा कि हमने अदालत नहीं जाना हमारे फैसले हमारी पंचायतों में होते हैं यानी ये आशिक लोग हैं इनकी अपनी अदालत है जी इन लोगों ने आपसे शादियां की हैं कि चाहते हैं कि पहले आप अपना मौकफ जो इनके चौधरी को बयान करें चौधरी साहब फैसला करेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना किधर है चौधरी आपको अगर बात समझ आए तो ठीक है नहीं समझ आए तो रहने देना ये चौधरी साहब है ये चौधरी साहब है ये चौधरी यार छोटा चौधरी टेंशन नहीं लो ये 2:30 बजे के बाद बड़ा हो जाता है चौधरी है टाइम थोड़ा सा घटा लो आप बनवाया कह के जी हां यूपीएस पे चोरी दो कठे जी हमारा फैसला क्या करेगा करेगा तो नहीं करेगा चौधरी साहब आम आदमी नहीं हां जी ना कार जाए ना प्राडो जाए वे हां जी ए शापर जाए वे साइकिल लेके डांगे ले आना अच्छा 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 मुझे इसको देख के नहीं लगता इससे कुछ होएगा 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 कुछ नहीं इससे फैसला ही करेगा ये चौधरी है अच्छा वैसे जी सर फर्स्ट टाइम आपकी जरा पर आओगे गल करना बड़ा चबड़ जा बंदा है एक्चुअली चौधरी साहब आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस पर्सन ओके दिस इज टू मच इरिटेटिंग जरा गौर में सुनना आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम विद दिस मैन He is just disgusting. He don't have manners how to talk with girls. He don't have manners how to behave with my friends. You don't know him. I swear I will give him. Please do something. Try to understand. I want divorce. Please do something. Putra rehne de talaq. Indi mainu samajh nahi aa rahi tenu kive aani. O Punjabi ch gall karo na lo ke tu Donald Trump da saala hai. Aap aa jaye. Ji. Ab aap apna mauka bayan kare. ये कितना स्वीट सा बेबी है ना कितना प्यारा है इना प्यार तो मेरे ना कीता हुंदा मैं तैनू इंज ते तीन देने सी इतना छोटा इतना स्मार्ट चौधरी चला तुझे फीडर दूं हां हां ए चौधरी उते छाल मार देंदा परे फीडर बिंगा कर देंदा की फैसला जी चौधरी साहब ओ माय गॉड पेपर नहीं लगाया ओहो ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਪੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਨੀ ਪਲਾਸਟ ਲਾਈਦਾ ਜੀ ਅਬ ਆਪ ਬਤਾਈਏ ਆਪ ਲੋਗੋ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਕਹਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਂਟ ਡਾਈਵੋਰਸ ਓਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇ ਤਲਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਓਕੇ ਮਾਈ
बेवकूफो, तुम्हें मैं क्या सी पेशेंस बर्दाश्त, तुम तो बंदे हो, वो औरतें ने उन्होंने अपनी अकल के हिसाब से गल करनी है, अगर तुम भी इस तरह का फैसला करोगे इसने घर खराब हो जाएगा। तुम उनकी साइड मत लो। साइड नहीं ले रहा मैं आपको समझा रहा हूँ मैडम, तलाक पता कितनी बुरी चीज होती है, इससे सिर्फ एक घर खराब नहीं होता, खानदान खराब नहीं होता, पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, और जिस औरत को तलाक होती है उसकी अहमियत पता कैसी हो जाती है, जैसे दरख्त से गिरा हुआ पता जिसको माली झाड़ू के साथ साइड पे कर देता है। तलाक तलाक तलाक, मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ कि जो वली अल्लाह थे वो इन चीज़ों को कैसे देखते थे। एक बंदा अपनी बीवी ने कहता कि मैं 3 साल के अरसे यहाँ से बाहर जा रहा, अगर 3 साल के बीच मैं वापस आ गया तो मेरा इंतजार करी, अगर मैं 3 साल तक वापस ना आया तो तेनों हक हासिल है तू शादी कर ले। तो शादी ऐसे बंदे ना करी, सवेरे फजर तो बाद छाते खलो दी, जेड़ा बंदा दूरों पहला नजर आएगा वह ना शादी करे। 3 साल बाद औरत छाते गई, उन्हें वेखिया कि बंदा दूरों आ रहा, उन्होंने दसा कि मेरा शौहर मैंने यह कह के गया सी तू मैं ना शादी करेगा, वो बंदा रोन लग पाया, कहती रो क्यों रहा, कहता रो इस वास्ते रहा मैं खेतों गया सी मेरा लोटा गुआच गया। वो कहती एक लोटे वास्ते तू इन्ना रो रहा, कहता हाँ उस लोटे ने मैनू वेखिया सी मैं उन्होंने वेखिया सी हूँ फिर नवा लोटा लवेंगा वो मैनू वेखेगा मैं उन्होंने वेखागा। माफी मांगो अपने हस्बैंड से और आइंदा से ये दिमाग से बात निकाल दो, ये बड़ी सोसाइटी के चक्कर में हम अपनी नस्लें और अपने घर और अपने अखलाक तबाह कर रहे हैं, हमारा मुआशरा और हमारा कल्चर और हमारा मजहब इन चीज़ों की इजाजत नहीं देता, माफी मांगो अपने शौहर से। उन्हें तेन ये किया कि नस्ल बर्बाद हुई तलाक न चोर साहब की माँ तलाक हुई इन्नी नस्ल रह गई इन्नी ना कोई बढ़न जोगी ना फुलन जोगी माफी थले बह के थले बह के उनकी सौ गए साड़ी लत लत नहीं है इतने भी कही जाना ओए और पंजाबी से माफी डायरेक्टर साहब पंजाबी चलो मैं बोलता हूँ पंजाबी पीछे पीछे बोलो मैंने माफ कर दे मेनू माफ कर दे मैं तो बड़ी बड़ी गलती हो गई मेरी तो गलती हो गई आगे तो ऐसा नहीं करती आगे तो ऐसा नहीं करती मैं तेनु माफ कर देता है आज तो बात तो आया जो गलती ना करनी है ओके हम अयोग रशियर की पंजाबी बोल जी अब आप माफी मांगो मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो आज नहीं करना अगला दिन दसांगा आज क्या है आज मदर डे है अपने फ्रेंड भी को साडे मजदूर को माफ करो पर्पल को माफ करो हां भाई कालू इसने बोला था ये मुझसे शादी करेगा तेरी मां